तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कई मंत्री शामिल हुए इस बैठक में और इसके अलावा उच्च अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस ब्रीफ की, जैसा कि हमने आपको सुनवाया था। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा। तीन चार बात पांच बातें प्रमुख रूप से हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जो संक्रमण का रफ्तार है उसको कैसे रोका जाए। दूसरी बात ये है कि जो जिला कलेक्टरों को हमने लॉकडाउन संबंधी और प्रतिबंध और कितना लागू किया जा सकता है उनके अधिकारों के बारे में, तो उसके बारे में समीक्षा की गई। विशेष रूप से रायपुर और राजधानी और रायपुर जो ज़िला है वहाँ के बढ़ते हुए संक्रमण के संदर्भ में। तीसरा ये है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के बारे में कितना और इसको विस्तारित किया जा सकता है। और चौथी बात यह है कि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के चलते हमें बेड की बहुत आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड की बहुत आवश्यकता है, आइसोलेशन की आवश्यकता है। जो होम आइसोलेशन में जो लोग जा रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं, उसके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करनी है। हमें जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों के स्टाफ की जो ज़रूरत है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज और मेन पावर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या सामाजिक संस्था जिस प्रकार से बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन का उपलब्धता के बारे में सुनिश्चित करने के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। औद्योगिक संस्था जो केवल औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं उसको मेडिकली ऑक्सीजन का उत्पादन भी कैसे करें और हमें सप्लाई करें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। कुल मिला के बढ़ते संक्रमण को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद गंभीरता से ले करके इसको बैठक लिया। माननीय गृह मंत्री जी को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि कोरोना के प्रोटोकॉल का और गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। अब किसी भी प्रकार की छूट जैसी कोई बातें दिखनी नहीं चाहिए। फिर से पुलिस को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को सड़कों में दिखना चाहिए और चेन तोड़ने के लिए जो कुछ भी संभव किया जा सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को भी निर्देश दिया, जिन जिलों में आवश्यकता थी बेमेतरा में कलेक्टर ने लागू किया है, दुर्ग में पूर्ण रूप से कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू हुआ है, राजनांदगांव में भी लागू हुआ है और ये ऑर्डर अभी भी स्टैंड है। जिला कलेक्टर जहां बहुत आवश्यकता है वहां अपने स्तर पर निर्णय करेंगे ही। हमें किसी भी रूप में संक्रमण की चेन को तोड़ना है। जिन जिलों में आवश्यकता थी बेमेतरा में कलेक्टर ने लागू किया है, दुर्ग में पूर्ण रूप से कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू हुआ है, राजनांदगांव में भी लागू हुआ है और ये ऑर्डर अभी भी स्टैंड है। जिला कलेक्टर जहां बहुत आवश्यकता है वहां अपने स्तर पर निर्णय करेंगे ही। हमें किसी भी रूप में संक्रमण की चेन को तोड़ना है। चलिए, तो मंत्री रविंद्र चौबे कहते हुए नजर आए कि किसी भी रूप में संक्रमण की चेन को तोड़ना है, ऐसे में अहम फैसले आगे भी लिए जा सकते हैं। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव जुटे हुए हैं। आदित्य, क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन संकेत साफ मिल रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी परिस्थितियों के हिसाब से तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रायपुर में शुक्रवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार देर रात तक लॉकडाउन लग जा रहा है। थोड़ी देर में कलेक्टर इसका आदेश निकाल देंगे और ये तय हो गया कि लॉकडाउन लगेगा ही लगेगा। लॉकडाउन शाम को, शुक्रवार को शाम को 5 बजे से लेकर सोमवार तक, पहले 3 दिन देखा जाएगा कि किस तरह से लॉकडाउन का असर दिख रहा है और उसके बाद निश्चित तौर पर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। देखिए, अभी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी विषय पर मैं सीधा आपके पास लिए चलता हूं, क्योंकि कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शुरू की है, मैं सीधा आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलता हूं। जी, कोरोना से लोगों को मरने के लिए छोड़ रही है। आज ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, ना सरकारी हॉस्पिटल में, कहीं पर भी ऑक्सीजन बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ तक कि सामान्य बेड भी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं
वैक्सीनेशन के सेंटर के लिए भी जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, खाली मांग कर देते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं आ रहा है, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि वैक्सीनेशन जितनी आ रही है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पिछले एक सप्ताह से वैक्सीनेशन के डोज उपलब्ध ये सरकार नहीं करवा रही है। तो आज ये सरकार मालूम नहीं खाली मीटिंग लेने से बात करने से काम नहीं चलेगा, आप स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें कि सभी निजी अस्पतालों को वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जाएगा। कलेक्टरों को हम इतना इतना करोड़ रुपए दे रहे हैं, इसके अलावा भी उनको अगर पैसे की जरूरत है तो 30% पैसा वो आपदा प्रबंधन से ले सकते हैं, 30% पैसा उनके जिले में जो DMF फंड है उससे ले सकते हैं। तो एक खुला अधिकार देना चाहिए, और ये अधिकार नहीं देने के कारण, पैसों की कमी के कारण, पूर्व में जो कोविड सेंटर खुले थे, पूर्व में जो क्वारंटाइन सेंटर खुले थे, वो अभी तक नहीं खुल पाए, ये दुर्भाग्यजनक है। सरकार के पास में, मैंने कल मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने कहा कि अभी क्योंकि अप्रैल मई में शादियां हैं तो जो धर्मशालाएं और शादी घर हैं वो हमें मिलना मुश्किल होगा, आज के समय पर कॉलेजेस के और स्कूलों के हॉस्टल खाली हैं, वहां पर बेड है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, तो जो भी स्कूल कॉलेजेज ऐसे हैं उनको आइडेंटिफाई कर हमको तुरंत वहां पर कोविड सेंटर खोलना चाहिए, डॉक्टरों की ड्यूटी लगाना चाहिए। तो सरकार को इन सामाजिक संस्थाओं से बात करने, क्या चाहते हैं सामाजिक संस्थाओं से, वो क्या करेंगे? बात करने से वो तो सहमत है, सब सहयोग करने तैयार है, परंतु सहयोग लेने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार के कोविड सेंटर ही नहीं खुले हैं, क्वारंटाइन सेंटर ही नहीं खुले हैं, तो वहां पर कौन क्या करेगा? सरकार को स्पष्ट अभी अधिकार कलेक्टरों को देकर और जनप्रतिनिधियों के साथ में कलेक्टर, कमिश्नर, SP, स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के डीन, इनकी संयुक्त बैठक कर जनप्रतिनिधियों के साथ में उनके सुझावों के आधार पर और ये कार्रवाई करनी चाहिए। विनोद जी, एक बड़ा सवाल है, रायपुर में पूरी सरकार बैठी हुई, मुख्यमंत्री यहाँ पर, गृह मंत्री यहाँ पर, तमाम मंत्री यहाँ पर है, रायपुर का अधिकार कलेक्टर के पास है, क्या इस बैठक में ये तय नहीं हो सकता था किन किन जिलों में लॉकडाउन लगाना है, फिर कलेक्टरों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, 3 दिन का लॉकडाउन फिर बढ़ाएंगे? देखिए, मैं कलेक्टर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, लॉकडाउन तो अंतिम हथियार है, परंतु लॉकडाउन के पहले भी, जैसा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनानी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के सुझावों के आधार पर निर्णय करने चाहिए, तो कोई कमेटी ही नहीं है, और इसलिए कलेक्टर भी कोई निर्णय लेने में डरता है। कोई कमेटी होगी और वो कमेटी बैठकर निर्णय करेगी, तो मुझे लगता है उस निर्णय का पालन सभी लोग करेंगे। आज रायपुर में 2,000 से 2,500 से ज़्यादा केस मिलने के बाद भी पहले जैसे मुफ्त में होम क्वारंटाइन लोगों को दवाइयां दी जा रही थी, अभी तक सबके घरों में दवाइयां नहीं पहुंची, दवाइयों का वितरण नहीं हो रहा है, जो टीमें बनानी चाहिए टीम नहीं बनी है, कोई सी आप एक टीम से 24 घंटा काम लेंगे तो संभव नहीं है, आपको 8-8 घंटे की 3 टीमें बनानी चाहिए, जी क्वारंटाइन सेंटर में दवाइयां बांटने के लिए, लोगों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने के लिए, लोगों को थर्मामीटर उपलब्ध करवाने के लिए, भाप की मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, एक पेशेंट के पीछे अगर 5,000 रुपये भी खर्चा कर दें तो मुझे लगता है कि इसको हम संभाल सकते हैं। और अभी स्थिति ये हो रही है कि बेचारे गरीब हैं, उनके घर में ऑक्सीजन मशीन नहीं है, उनके पास